Dear student friend follower, today we will learn about crusade against dogmatism. There are very important points to be remembered. There are some points as well as vocabulary you need to be remembered. You just have a pen and pencil ready, pen and paper ready, and write some points, some difficult words. And after that we'll be discussing about dogmatism against crusade against dogmatism. And the second assignment is that ideas that have helped mankind. Before that we discussed about ideas that have harmed mankind, that have that have given loss especially to human being, that have caused loss to human being. But today we are going to discuss about ideas they have helped mankind. हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो क्या था कि वो आइडियाज़ जिसने इंसान को नुकसान पहुँचा, ठीक है, उसमें हमने देखा कि इंसान जो है कौन कौन से ऐसे पैशन्स हैं, ईवल डिज़ाइन और ईवल डिज़ायर जो है इंसान को फोर्स करती हैं, चूँकि वह जंगलों से उठ के आया था अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन थीरी, जो एवोल्यूशन की थीरी है उसके मुताबिक क्या कि इंसान जंगलों से उठा, एक ही ऑर्गेनिज्म थे जिसमें परिंदे बंदर इंसान हर चीज़ जो जानदार है वो उससे जुदा होके जिसने वो दूर दराज फैल गई, कोई जंगलों में चला गया वो जानवर बन गया, यानी अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थीरी। कोई थोड़ी सी महज़ब जगह पे आ गया उसने सोचा तो वो इंसान बन गया, कोई इसी तरह फिश बन गया। तो वो कहता है कि सारे जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हुए हैं अकॉर्डिंग टू द डार्विन थ्योरी। तो डार्विन थ्योरी के मुताबिक इंसान के अंदर मतलब वो एक ही ऑर्गेनिज्म से जब अलहदा हुए हैं तो उसके अंदर वही पैशंस और वही उसके अंदर फीलिंग्स और वही वो ईवल डिज़ाइन और डिज़ायर मौजूद हैं जो एक बीस्ट के अंदर होती हैं, जो एक एनिमल के अंदर होती हैं, वो जैसे लोगों को चीर फाड़ देता है, तो इसी तरह इंसान के अंदर भी वो ईवल पैशंस मौजूद हैं, वो लोगों को क्या करता है, लोगों को काटना चाहता है, लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो वो उनको तस्कीन करने के लिए, सेटिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके आज भी यूज़ करता रहता है। उसमें हमने विच बर्निंग का कंसेप्ट देखा, बम बनाने का देखा, ठीक है, एटम बम बनाने का, लोगों को नुकसान पहुँचाने का, असलाह को बेचने का। उसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे जो रिलीजियस आइडियाज़ जो थे वो भी बड़े ख़तरनाक साबित हुए, पॉलिटिकल आइडियाज़ भी बड़े ख़तरनाक साबित हुए। नाज़ीज़्म को डिस्कस किया और उसने हमने मार्क्सिस्ट आइडिया को, उसने कहा प्लेटो जो है वो प्लेटो और हीगल जो हैं ये दोनों किसको रिकमेंड करते हैं, डिक्टेटरशिप के आइडियाज़ को। तो इस तरह की चीज़ें हमने, उसने जॉन लॉक की मॉडर्न फ़िलासफ़र की तारीफ की। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडिया दे हैव हेल्प मैनकाइंड। प्लीज़ राइट सम पॉइंट्स। यहाँ पे एक है पॉइंट है डोगमाटिज्म। डोगमाटिज्म का मतलब क्या होता है, देखो डोगमाटिज्म का मतलब होता है कि एनी काइंड ऑफ बिलीव दैट इज़ वेरी हार्ड, यानी कोई भी हार्ड और फनेटिक किस्म का जो बिलीव है उसको हम डोगमाटिज्म कहते हैं। आपको क्वेश्चन पता कैसे आएगा, लिख लें, आपको आएगा डिस्कस डोगमाटिज्म, क्रूसेड अगेंस्ट डोगमाटिज्म बाय रसल, डिस्कस फनेटिसिज्म, द आइडिया ऑफ फनेटिसिज्म इन रसल्स एसे। रसल्स एसे के अंदर जो फनेटिसिज्म का आइडिया उसने दिया है उसके अंदर डॉगमेटिज्म, उसके खिलाफ जो लिखा है डॉगमेटिज्म या फनेटिसिज्म के मतलब वो डिस्कस करें, या मिस्टिसिज्म डिस्कस करें, या फनेटिसिज्म डिस्कस करें, रिलीजियस फनेटिसिज्म डिस्कस करें, तो उसके ऊपर यही लगेगा। अच्छा जी, रसल किस चीज़ का कायल है? बेसिकली रसल वॉन्ट्स टू हैव प्रोग्रेस development, he is a mathematician, he is a logician, he is a modern philosopher, and he is liberal and agnostic person. He believes in progress, liberalism, development, और secularism, और उसके बाद democratic idea, वो इन चीज़ों पर believe रखता है। अब इन चीज़ों का मतलब लिख रहे हैं जो मुश्किल words हैं ताकि आपको problem, obscurantism, OB SCURANTICISM, obscurantism, obscurantism का मतलब होता है opposed to new idea। obscurantism एक noun है और इसका मतलब है कि हर वो कावश जो new idea को रोकती है, repel करती है, stop करती है, उसको obscurantism कहती है। कौन उसमें लिख लें, suppressing भी आ जाएगा, suppress करना, दबाना किसी को, ग्रोथ ना पकड़ने देना, आपने नई सोच सोची तो मैं वहाँ ही दबा दूँ, वहाँ ही उसे कुचलने की कोशिश करूँ, तो मैं ऑब्स्क्योरेंटिसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ। सप्रेसिंग करना, दबाना, क्रश करना, थ्रो बैक करना, फॉल ऑफ आइडिया, सप्रेसिंग आइडिया,
अपोज न्यू आइडिया, उसका मतलब क्या है, ऑब्स्क्योरेंटिज्म। दूसरा लिखें स्केप्टिसिज्म की बात होगी बार बार। ये बहुत सारे फिलासफर थे जो इस पे बिलीव रखते थे, कुछ रोमन ग्रीक फिलासफर भी इसके फॉलोअर थे, उसके बाद ये आइडिया बढ़ता गया। वो कहते थे किसी चीज़ पे डाउट करो ना, उससे नई चीज़ निकल आती है। डाउट, जैसे सोक्रेटिस ने कहा था कि डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, तो स्केप्टिसिज्म कैसा आइडिया है, सी एवरीथिंग थ्रू स्केप्टिसिज्म, सी एवरीथिंग थ्रू डाउट एंड प्रोड्यूस न्यू थिंग। जैसे जैक डेरिडा की थ्योरी है डीकंस्ट्रक्शन की, आप चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करें और एनालाइज करें, डीकंस्ट्रक्ट करें, उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट कर लें, उससे कोई नई चीज़ निकल आएगी। डाउट इज ऑरिजन ऑफ नॉलेज, ये इसकी बेस है। रिलक्टेंस ऑफ यानी अनसर्टन, ड्यूबियस, डाउट करना, अनसर्टन होना, रिलक्टेंस होना हर चीज़ के बारे में, उसे कहेंगे हम स्केप्टिसिज्म। लिबरलिज्म, व्हाट इज लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब लिखें फ्रीडम, टॉलरेंस, डेवलप आइडिया, और ये सारे मीनिंग जो हैं वो लिबरलिज्म के। लिबरलिज्म का मतलब होता है वैसे आज़ाद ख्याल, आपने जो अब जैसे भी हैं जिस तरह के भी हैं आपको वो लिबरल जो है एक्सेप्ट करेगा। आप जिस कल्चर, आप मजहबी हैं तो आपको मजहब के लिहाज, यानी जितने लिबरल लोग होते हैं वो सारे जितने भी मजहबी लोग होते हैं उन्हें एक ही समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक लिबरल जो है वो हिंदू, वो हिंदू जो है वो रिलीजियस पर्सन है, या मुस्लिम है, या क्रिश्चियन है, या ज्यूइश है, या कोई भी मजहब का बंदा है ना, तो वो अगर मजहबी है तो वो उन्हें सेम कंसीडर करते हैं लिबरल। फ्रीडम ऑफ थाट्स, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पर बिलीव रखते हैं। इम्पेरिसिज्म, इम्पेरिसिज्म का मतलब होता है कि 2+2=4, वो अपने हाथ से करेगा जमा और उस फिर बिलीव करेगा। तो इम्पेरिसिज्म का मतलब है एक्सपेरिमेंटेशन, ऑल नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, कि अगर आप एम्पेरिसिस्ट हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे चीज़ को तो उस पर बिलीव करेंगे। आपको अगर कोई बंदा ये कहे कि 2+2=4 होता है तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप हाथ से करेंगे 2, फिर +2, और फिर जब 4 रिजल्ट निकल आएगा, एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो आप क्या है, एम्पेरिसिस्ट, यू आर एम्पेरिकल पर्सन। तो अ पर्सन बिलीव्स इन दैट एवरी नॉलेज इज शुड बी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, तो उसे हम एम्पेरिसिस्ट कहते हैं या एम्पेरिसिज्म कहते हैं। ठीक है जी, अब हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं डोगमेटिज्म से रिलेटेड। आप साथ साथ लिखती जाएं और आपको बहुत सारा फायदा होगा। पहले पॉइंट्स लिखते हैं उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट फॉर यू रिलेटेड टू डॉगमेटिज्म। हाँ जी, लेट्स सी, विल सी डॉगमेटिज्म को हम बाद में देखेंगे, पहले हम आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को देख लेते हैं। अच्छा जी, वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिसने इंसान को, इंसान की मदद की है, ऐसे आइडियाज़ जिसने इंसान की मदद की है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि इंसान जो है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी के मुताबिक जंगल में रहता था, ठीक है, ही वाज इनहेबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में था तो उसे बहुत सारे मसाइल लाहक, उसकी जो जिल्द है वो इंसान के जानवर की तरह मजबूत नहीं थी। अगर गौर से देखें तो इंसान की जिल्द जो है फॉरेस्ट में रहना, और वहाँ पे सर्दी भी बहुत एक्सट्रीम होती थी, तो इंसान जंगल में रहता था, लेकिन जंगल में भी वो सर्वाइव कैसे कर गया, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जैसे उसने कहा था डार्विन ने कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जंगल में रहा, तो वो कौन सी चीज़ थी जो इसे जंगल से उठा के इतनी पॉपुलेशन बना ली इंसान ने, जबकि बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सटिंक्ट होगी। हमने कोई बर्ड जो हम बचपन में देखते थे, आजकल वो बर्ड नहीं मिलते, ख़त्म हो गए, यानी उनको एनवायरनमेंट नहीं मिला, उनको उनमें कोई डिजीज आई, या वो किसी तरह से भी, वो बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं, एनिमल्स हैं, डायनासोर जैसे है, वो ख़त्म हो गया। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो ख़त्म हो गई, दे आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस अर्थ। व्हाई इट हैपेंड, इट हैपन्ड बिकॉज दे कुड नॉट सर्वाइव देमसेल्फ, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सके, या वो इन्वायरमेंट वैसा ऑप्टिमम नहीं मिला, या बहुत सारे मसाइल आ गए, लेकिन इंसान जो था, एक तो उसकी जिल जानवरों की तरह मजबूत नहीं है। अगर आप किसी गोट को देखें, बफलो को देखें, लॉयन को देखें, या कोई भी एनिमल को देखें, तो उनकी जिल्द बड़ी मजबूत होती है,
वो तो ज्यादा सरवाइव करने चाहिए थे और वो बढ़ने भी ज्यादा चाहिए थे, क्योंकि वो उनका बच्चा जो होता है, वो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर भी ज्यादा सलाहियत होती है बचने की। लेकिन इंसान का बच्चा पालना भी बड़ा डिफिकल्ट है, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, दूध चाहिए और खाना भी चाहिए, आपको पता है उसको मदर की फीडिंग भी चाहिए और सारी प्रॉब्लम साथ साथ ही। लेकिन इंसान क्यों बच गया? तो वो कहता है अकल, विजडम की वजह से। इंसान के पास क्या थी? विजडम, विट, अकल, रैशनल थॉट इंसान के अंदर मौजूद थी। इस अकल की वजह से वो क्या किया उसने, उसने एनिमल्स को भी अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। मसलन टैमिंग एनिमल्स, स्पेशली बुल्स, हॉर्सेस और उसके अलावा डोंकीज, इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स जो है उनको टैम कर लिया। टैमिंग एनिमल्स उसने क्या किया, उसने क्रॉप्स जो है उसके नए नए मेथड तलाश कर लिए, क्रॉप्स उगाना शुरू कर दी, ग्रोथ ज्यादा मैक्सिमम करता गया। तो एक तो इंसान की जल्द भी जानवरों की तरह मजबूत नहीं थी और इतना वो मजबूत नहीं था, उस पर जिस्म के ऊपर बाल नहीं थे, वो वैसे मतलब उस तरह प्रोटेक्शन और गार्ड, सेफ गार्ड नहीं थी उसकी जल्द भी इतनी कि उसको सर्दी से बचा पाती, गर्मी से बचा पाती, माहौल की जो शिद्दत होती है इससे बचा सकती। लेकिन फिर भी वो बच गया अपनी अकल की वजह से, जबकि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो क्या, उनकी नस्लें जो हैं वो नापैद हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो वो किस वजह से बचा ये सब कुछ, ये डिस्कस करेगा रसल, बताएगा कि ये सब कुछ हुआ मुमकिन इसलिए कि इंसान के पास अकल मौजूद थी, उसने अपनी अकल इस्तेमाल की और बहुत सारे मसाइल के ऊपर उसने काबू पा लिया। मिसाल के तौर पर उसने आग जलाई, उसने जानवरों को दूर भगाया और बहुत सारे जो मामला थे, ऐसी गजा जो खा नहीं सकता था उसने कुक किया, उसको उसने खाया उसको और उसके हिसाब से एनर्जी मिली और वो फूड नई नई बनाई और उसके बाद वो मजीद डेवलप करता गया, जानवरों को टैम कर लिया। बाई टैमिंग द एनिमल से ही ग्रो इवन क्रॉप्स एंड बाई फायर, बाई गेटिंग फायर ही स्टार्टेड यू नो क्रिएटिंग कुकिंग फूड and even he just keep away animals because there were certain beasts and animals they had a great danger from them. unko bahut sara khatrat lahak the beast se animal se, to usne aag jalai, wo khauf ke mare daud gaye janwar. isne ise zyada sardi lagi to ye ja ke akal maujood thi, ye ja ke gharon mein chhup gaya aur ise ek idea mila ki ghar bhi banaya ja sakta hai. तो फिर उसने घर बना लिया, इंसान डेवलप करता गया और जबकि बीस्ट जो एनिमल्स थे वो पीछे रहते गए, बहुत सारे एनिमल्स और बीस्ट की नस्लें खत्म हो गई, लेकिन ये सरवाइव करता हुआ एक पॉपुलेशन इसने बढ़ा ली और कहता है, और इसके साथ साथ कहता है पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई और इसने सोचा कि मुझे ज्यादा ग्रोथ करनी चाहिए, और जैसे भी इसने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ की, किसने, इंसान ने, जबकि एनिमल ये सारी चीजें नहीं कर सका। उसमें वो सारे वो आइडियाज डिस्कस करता है, we will see one by one. Let's see. तो अगर देखें जैसे वो उसकी डार्विन की थीरी है और रसल भी उसका कायल है और वो किसी मजहब को भी नहीं मानता, वो क्या कहता है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली जिनके अंदर जान है, वो एक ऑर्गेनिज्म था और वो उससे जुदा होके ये बने हैं। क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, और इनकी फिर वो सारे इंसानों की वो फिर पिक्चर भी इकट्ठी करता है, उनको फिर वो मिलाता है कि ये शक्ल थी बंदर की पहले, फिर ये बनी, फिर वो डेवलप हुआ, ठीक है, फिर वो ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, ये 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 ये, ये, ये। उसने एक थीरी पेश की थी, थीरी कैन बी रिजेक्टेड, थीरी जो है वो हमेशा एक पेश की जाती है और टेंटेटिव हाइपोथेसिस होती है कि ऐसा मुमकिन है, इट इज़ जस्ट टेंटेटिव एंड कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, और इसको क्रिटिसाइज भी किया बहुत सारे, और मजहब के लिए तो ये बहुत बड़ा, क्रिश्चियनिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बनी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का बिलीव है कि इंसान आसमान से उतरा है, तो वो उसको उसके लिए भी खतरा बनी, और बहुत सारे दूसरे मजाहब जो हैं वो भी यही बिलीव रखते हैं। तो उसके लिए ये जो थीरी थी, जो डार्विन की थीरी थी, इसने बहुत सारे मसाइल पैदा किए, और क्रिश्चियनिटी के बिलीवर आप अगर देखें यूरोप के अंदर तो वो चर्च तक फरोहत कर रहे हैं, क्योंकि वो ह्यूमन जो ह्यूमन बिलीव है जो गॉड के ऊपर, वो कम होता गया। जैसे फिलिप लार्कन को आप पढ़ें तो वो कहता है कि चर्च गोइंग, अब चर्च गोइंग में वो कहता है कि चर्च जा रहे हैं, व्हाट विल डू अबाउट द चर्च, अब जब सारे लोग कहता है चर्च को छोड़ देंगे, वो भी एक एग्नोस्टिक था फिलिप लार्कन, तो कहता है जी हम इस चर्च का करेंगे क्या, यहाँ पे क्या हम इंसानों के लिए ये बनाएंगे, जानवरों के लिए ये प्लेस बनाएंगे। तो आजकल जैसे चर्च जो बिक रहे हैं
फरोख्त हो रहे हैं इंग्लैंड के अंदर और डिफरेंट जगह के, तो ये मामलात यही हैं कि वो उनका बिलीव जो है वो ख़त्म हो गया गॉड के ऊपर, इन चीज़ों ने कर दी। तो रसल, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ रसल की ही डेट ऑफ बर्थ, इसीलिए कि याद रहे, रसल जो है इंग्लैंड में पैदा हुए 1872 को, और फरवरी 2 1970 में इनकी डेथ हुई है। और इनकी स्पाउस जो थी उसका नाम है फिंच रसल्स 1952 to 1970, और चिल्ड्रन कॉन्रेड रसल्स और फिफ्थ अर्ल रसल, जॉन रसल। उसके बाद अवार्ड मिले हैं, नोबल प्राइज अवार्ड मिला लिटरेचर में, और बहुत सारे और से और भी अवार्ड मिले हैं। पैसिफिस्ट भी था, अमन का सफीर भी कहा जाता है, और इन्फ्लुएंस था किससे, डेविड ह्यूम से, जॉन लॉक से, ठीक है, उस तरह के, और भी कुछ लुडविक फिलासफर है उससे भी ये इन्फ्लुएंस था, और उसके अलावा डेविड ह्यूम से भी था, और उसके बाद जॉन लॉक भी था से। इस तरह के जो मॉडर्न फिलासफर थे, स्पेशली दे टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी एंड दे वर लिबरल, सो ही इन्फ्लुएंस फ्रॉम देम, एंड स्पेशली ही इज कन्विंस्ड फ्रॉम स्पेशली डार्विन एवोल्यूशनरी थ्योरी, कि इंसान जो है वो कहता है इस तरह डेवलपमेंट हुई है उसकी, ठीक। तो ये एक लिबरल, एक मॉडर्न फिलासफर है जॉन रसल, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आइडिया देखें, यानी वो आइडियाज जिसने इंसान की हेल्प की है किस में, ग्रोथ में, बढ़ने में, वो हम डिस्कस करेंगे। इंसान ने आइडिया दैट हैव हेल्प टू सर्वाइव, ये पॉइंट साथ लिख लें। वो कहता है कि ऐसा आइडिया यूजफुल है जो किसका बायस बने, हैप्पीनेस लाए, नॉलेज लाए, फ्रेंडलीनेस लाए, ह्यूमन बीइंग को जो क्या देता है, हैप्पीनेस देता है, हैप्पी कर दे, हैप्पीनेस लाए, वो आइडिया ठीक है। और उसमें वो बात करता है जो फ्रेंडली बना दे, जो ब्रदरहुड ले आए, जो लोगों को इकट्ठा कर दे, क्यों कहता है ऐसे तमाम आइडिया जो फ्रेंड्स बना दे, जो हैप्पीनेस ले आए, जो नॉलेज क्रिएट कर दे, जो न्यू आइडियाज ले आए, और कोई बेटर कहता है कि सिस्टम ले आए, वो सारे आइडियाज ठीक हैं। वो कहता है डेमोक्रेसी बहुत अच्छा आइडिया है प्रेजेंट दौर में, लेकिन इस डेमोक्रेसी भी फाइनल नहीं है, इससे भी कोई बेटर आइडिया आया तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, रसल कहता है। तो सारे आइडियाज कहता है कि जो आइडिया इंक्रीज करता है ह्यूमन हैप्पीनेस को, नॉलेज लाता है, फ्रेंडलीनेस लाता है, ब्रदरहुड लाता है, न्यू एक्सपीरियंस देता है, और ह्यूमन बीइंग को फ्रेंडली बना देता है, और यूनाइट इकट्ठा कर देता है, उनको यूनाइट कर दे, वो सारे आइडिया ठीक हैं। उसमें वो कहता है कि आइडियाज जो हैं वो किस तरह के हैं, एक तो कहता है कि टेक्निकल आइडियाज हैं, और एक हैं मॉरल और पॉलिटिकल आइडिया। यानी पॉलिटिकल आइडिया लिख लें, उसने उसको दो में डिवाइड किया, उसने कहा पॉलिटिकल और मॉरल आइडियाज और टेक्निकल आइडिया। लेकिन वो कहता है कि पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं और मॉरल आइडियाज जो हैं अकॉर्डिंग टू रसल वो पीछे रह गए, टेक्निकल आइडियाज आगे गुजर गए। कैसे, क्योंकि वो खुद भी एक मॉडर्न है, फिलासफर है, और वो कायल किसका है, एवोल्यूशनरी थ्योरी का और साइंस का, और वो मानता है नई नई चीज़ों को, प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को, साइंटिफिक नॉलेज को, 2+2 = 4 पे बिलीव करता है, एम्पिरिकल भी है। तो रसल कहता है कि टेक्निकल चीज़ें आगे गुजर गई, वो आइडियाज़ भी आगे गुजर गए, लेकिन ये जो पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल और जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, मॉरल आइडियाज़ थे, ये पीछे रह गए। हाँ, बुद्धा ने और क्राइस्ट ने कहता है वर्क किया है लोगों को यूनाइट करने में, हज़ारों साल पहले आए थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की इकट्ठा करने की, लेकिन वो आइडियाज़ भी कहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो किसके शिकार हो गए, एम्बिगुटी का शिकार हो गए, डिवेल्प नहीं, फोस्टर नहीं कर सके, यानी ह्यूमन बीइंग को इकट्ठा नहीं कर सके, बल्कि उन आइडियाज़ की, मॉरल आइडियाज़ की वजह से भी अल्टीमेटली बहुत सारे नुकसान होंगे। मिसाल के तौर पर मजहबी आइडिया आया तो मजहबी आइडिया में जंगें शुरू हो गई। क्रूसेडर का ये बिलीव था कि अगर तो आप जंग में लड़ते हुए मारे जाओ तो जन्नत मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप बच जाओ तो फिर आपको टैग मिलेगा कि आप बच गए हैं, ठीक है, आप एक बहादुर इंसान बन के जिएंगे। तो वो कहते उनका बिलीव था कि अगर कोई लड़ाई फाइटिंग के अंदर, क्रूसेडिंग बहुत होती रही है, वो लोगों को जो नॉन क्रिश्चियन लोग थे उनको वो मारते थे, ठीक है, वो जंगे लड़ते थे क्रिश्चियन भी। अब क्रिश्चियन का बिलीव था कि जो लड़ता हुआ मारा जाए वो तो सीधा जन्नत में जाएगा, जो बच जाएगा वो उसे बहादुरी का टैग मिलेगा, और अगर आप जीत जाओ, अगर कोई उनके
आपके दुश्मनों की कुछ चीज़ें मिल जाए, इवन के जानवर तक को आपने नहीं छोड़ना, ये उनका बिलीव था। अच्छा जी, पहला आइडिया जो बड़ा यूजफुल रहा इंसान के लिए वो है आइडिया ऑफ फायर। इंसान ने फायर क्रिएट की, ठीक है, और फायर से सबसे पहला काम उसने क्या किया, कुकिंग शुरू कर दी, कि उसको खाना चबाना मुश्किल था तो उसने उसको क्या किया, उबाल लिया, खाना शुरू कर दिया। फिर कुकिंग के बाद उसने जो बीस्ट एनिमल्स जिनसे उनको खतरा था उसको दूर भगाया, लॉयन को, बियर को, इस तरह के जो खूनख्वार दरिंदे थे उनको दूर बनाया। अब ये पॉइंट एक लिख लें आप, पहला उसने क्या किया, कुकिंग शुरू कर दी। अगर फायर उसे दरियाफत हुई पत्थरों को टकरा के, उसने क्या किया, फायर क्रिएट कर ली। जो जैसे ही फायर की क्रिएशन हुई कुकिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो ऐसा खाना जो चबा नहीं सकता था उसने कुकिंग के जरिए खाया, उसे एनर्जी मिली और उसने और काम किया, उसके अंदर रीजन मौजूद थी और उसने उस रीजन को यूज करते हुए आग को दरियाफत कर लिया, ठीक है जी। और आग के साथ उसने क्या किया, कुकिंग शुरू कर दी। कुकिंग के साथ कहता है एक और उसे फायदा हो कि जब आग जलाते तो बहुत सारे बीस जो थे वो उनसे दूर हो जाते, वो अपने आप को महफूज करने में भी कामयाब हुआ। तो ये फायदा हुआ इंसान को, ये पॉइंट लिख लें। आगे कहता है एक फायदा ये हुआ कि आइडियाज ऑफ द केव, फिर उसके अंदर एक आइडिया आया इंसान के अंदर, ये तो उसने फायर से आइडिया लिया ना। अब उसे जब शदीद सर्दी लगी तो उसने कहा कि मैं क्यों ना गारों में चला जाऊं, तो उसने केव को डिस्कवर किया पहाड़ों के अंदर, उसने गारों को डिस्कवर किया, वहां रहना शुरू कर दिया और वहां पे अब पत्थरों के जरिए उसको प्रॉपर डोर भी बनाए उसके, और फिर वहां पे उसने अपनी प्रोग्रेस एनर्जी भी ली आग से, आग से एनर्जी हासिल की, एनर्जी मीन के कुकिंग शुरू की, खाने खाए अच्छे अच्छे और अल्टीमेटली एनर्जी मिली और वो अपने आप को सेव करने के लिए गार में चला गया और गार से भी महफूज रहा और सर्दी से बचा, अपने बच्चों को बचाया और ग्रोथ की और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बना। अब दो आइडिया उसने बड़े अच्छे दरियाफ्त कर लिए, जबकि ये दोनों जो हैं एनिमल दरियाफ्त करने में नाकाम थे क्योंकि उनके अंदर रीजन मौजूद नहीं थी। अब तीसरा एक और फायदा हुआ कि उसने टैमिंग एनिमल, बाय टैमिंग एनिमल ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। अब जैसे बुल्स थे, ठीक है, हॉर्सेस थे, डोंकी थे, अब इस तरह के जो जानवर थे उसने क्या किया, उसके अंदर रीजन मौजूद थी, उसने कहा यार मैं इनको क्यों ना टैम कर लूं, उसने उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग करके इनकी मदद से क्या किया, बुल्स की मदद से हाल चलाए, प्लू, ही स्टार्टेड प्लूइंग लैंड, ही स्टार्टेड प्लूइंग, और उसने क्रॉप्स को बढ़ाया और उसकी जो है जो क्रॉप्स है वो बढ़ गई, ग्रो कर गई और वो उससे ज्यादा से ज्यादा उसे गजाइत हासिल करने में इंसान को फायदा हुआ और उसने ज्यादा से ज्यादा जो है गजाइत शुरू कर दी हासिल कर ली। होप यू गॉट द आइडिया, इसको भी नोट कर लें। आइडिया ऑफ स्किल, फिर उसने कहा कि मुझे नई से नई स्किल हासिल करनी चाहिए, उसने स्किल सीखी। जैसे स्किल किसकी, उसने नई नई ट्रेनिंग ली, ठीक है, हॉर्सेस को टैम किया, अपनी जमीन को अच्छा किया, ठीक है, हल को बेहतर किया, नए नए साइंटिफिक आइडिया के आइडिया सीखे, हैमर उसने दरियाफत किए, ठीक है, और उसने प्लू दरियाफत किया, हल दरियाफत किए, हैमर दरियाफत किए, ठीक है, आयरन को मोल्ड करना सीख लिया। तो ये स्किल्स जो थी, इन स्किल को उसने फिर सेव कर लिया, क्योंकि उसके पास स्किल्स थी तो वो क्या करता, अपनी स्किल जो है, चूंकि उसके अंदर उसके पास लैंग्वेज भी मौजूद थी किसी ना किसी तरह, तो वो क्या करता, वही स्किल को पास कर देता जनरेशन टू जनरेशन। जब उसने स्किल सीखी तो वो क्या करता, वो जनरेशन टू जनरेशन वो स्किल को भी पास करता। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो आपके, आप अच्छे मतलब वर्कर हैं तो आप क्या करते हो, अपने बच्चों को भी वो सिखा देते हो, इस तरह वो स्किल जो है जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती थी। ये भी आइडिया बड़ा कामयाब रहा, आइडिया ऑफ प्लानिंग। अच्छा, फिर इंसान के अंदर ये भी मौजूद था कि वो प्लानिंग कर सकता था, दूरंदेशी से देख सकता था, मतलब बारिश हो सकती है तो वो क्या, बहुत सारी चीज़ों को वो क्या करता, कवर कर लेता, बहुत सारी चीज़ों को वो मतलब जंगलों में भी उसको सेव कर लेता, जबकि एनिमल के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, वो गजाइत में और बहुत सारे मसाइल में उलझ गए और बहुत सारी नस्लें जो है उनकी ख़त्म हो गई, जबकि इंसान जो है अपनी अकल के जरिए जो दूरंदेशी को भी देख लेता कि भाई बारिश होने वाली है, मैंने ये चीज़ें जो है इंतज़ाम करने हैं, तो इंतज़ाम कर लेता, गर्मी से पहले गर्मी का कर लेता और सर्दी से पहले सर्दी का कर लेता, जबकि एनिमल्स में ये आइडियाज मौजूद नहीं थे, वो प्लानिंग करना जानता था और उसे क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग
कह लें आप फोरकास्टिंग का आइडिया उसके अंदर मौजूद था कि वो पहले से देख सकता था चीज़ों को, प्रिडक्शन कर सकता था। तो दैट वाज ओनली एग्जिस्टेड विद ह्यूमन, और ये सिर्फ ह्यूमन के पास थी, और ह्यूमन सर्वाइव कर गया, और उसने ब्रॉड थिंकिंग की वजह से, कॉन्टेम्पलेशन की वजह से, रीजन की वजह से, अकल की वजह से, फोरकास्टिंग की वजह से, प्रेडिक्शन की वजह से बहुत सारे मामला अपने हल कर लिए, और वो इस तरह बढ़ता गया। पॉपुलेशन, इंसान जो है वो एक मतलब एवोल्यूशनरी जैसे एक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू डार्विन, और मजीद इंसान जो है वो जैसे मैरिड मैरिज का कंसेप्ट है उसके जरिए फिर और उनकी नस्ल बढ़ती है और बढ़ती है, उसने अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ाया। ह्यूमन बीइंग वर सो मैनी एंड वर लेस सेफ, इन्फेंट्स हेल्पलेस, नो हेयर नो स्किन्स लाइक एनिमल्स, इन स्पाइट ऑफ दिस ह्यूमन रेस्क्यूड। अब इंसान का जो बच्चा है, जो ह्यूमन चाइल्ड है, उसको ना तो जिस्म के ऊपर बाल हैं और ना उसकी स्किन जो है वो एनिमल की तरह मजबूत है, ठीक है, जबकि एनिमल की जो स्किन है उसके ऊपर बाल भी होते हैं और बहुत सारे उसकी स्किन भी मजबूत होती है। इसकी एक नाजुक स्किन थी, इसके बावजूद वो सारे मामला को कामयाब हो गया करने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रीजन मौजूद थी, अकल हमेशा जो है पावर से भी ज्यादा, जितनी भी आपके पास वेल्थ है या जो भी है आपके पास, उनसे ताकतवर होती है। तो रीजन ने क्या किया, स्ट्रेंथ को भी मात दे दी। स्ट्रेंथ कैसे? एनिमल को मात दे दी। एनिमल बेचारा क्या हो गया, उलझ गया, वो ना तो उससे गल्ला सेव हुआ, ना उससे अपने आप को सेव कर सका, अपनी नस्ल को बचा सका, ना स्किल आगे डेवलप कर सका, ना रीजन लॉजिक रीजन से सोच सका। लेकिन इंसान ने अपने बच्चों को भी बचाया, अपनी ग्रोथ की और अपनी नस्ल बढ़ाई, और उसका जो बच्चा था वीक भी था, जब कमजोर भी था, स्किन मजबूत नहीं थी, बाल नहीं थे, और एनिमल की नस्बत बहुत वीक था, लेकिन फिर भी वो आगे गुजर गया। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ाने में कामयाब हुआ, और उसकी नस्ल जो है इस प्लैनेट में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखिएगा, आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन। इंसान के पास एक और चीज, एक और बहुत अच्छा टूल है कि वो कम्युनिकेशन कर सकता है। कम्युनिकेशंस, इंसान आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के स्पेलिंग जरा यहां पे रॉन्ग लिखे गए हैं, कम्युनिकेशन, तो इंसान के पास एक तो कम्युनिकेशन की सहूलत मौजूद है, उसने अपने लिए कम्युनिकेशन का, उसने जेस्चर को खास नाम दिए, सिंबल को, साउंड्स को, और उसने एक अपनी लैंग्वेज क्रिएट कर ली, और उसको राइटिंग पर्पस के लिए यूज करके उसने क्या किया, जो स्किल उसके पास मौजूद थी उसने एक से दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और इस तरह प्रॉपरली सेटअप बना लिया, और इस तरह स्किल जो है रिटन फॉर्म में और स्पोकन फॉर्म में ट्रांसफर करता गया। जैसे मेरे पास स्किल है तो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप आ गए, ऐसे रिटन फॉर्म से एम्पिरिकली ट्रांसफर टू अदर जनरेशन। उसने बताया कि 2+2 जो है किस तरह फोर होता है, और उसने एम्पिरिकली साबित करके दिया, और उसके लिए उसने स्किल जो है बच्चों के अंदर डेवलप की, उनका प्रॉपर स्कूल बनाया, निज़ाम बनाया, कम्युनिकेशन स्किल के जरिए अपनी राइटिंग को आगे ट्रांसफर करता गया। ये भी लिख लें पॉइंट। आइडियाज ऑफ द पोएट्री एंड गेम्स एंड वाइन्स, उसने कहा कि इंसान जो है चूंकि मोनोटोनस वर्क से परेशान होता, तो उसने क्या किया, आइडिया आया कि उसने पोएट्री शुरू कर दी रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को उसने पोएट्री शुरू कर दी, लोगों को इंटरटेन किया, सॉन्ग बन गए, पोएट्री बन गई, गेम्स शुरू कर दी, और ज़्यादा वो मोनोटोनस या परेशान हुआ तो उसने अपने साइकोलॉजिकल लेवल को, अपनी साइकी को सेटिएट करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसने वाइन, गेम और पोएट्री, इस तरह की चीज़ें अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि मोनोटोनस जो डेली का वर्क है उससे तंग आ जाता है इंसान, उसको दूर करने के लिए उसने आइडिया, पोएट्री का आइडिया दिया, गेम का आइडिया दिया, वाइन का, ताकि वो इन चीज़ों से मोनोटोनस से बच जाए, ताकि परेशान ना हो। ये भी एक आइडिया था, अच्छा था, कहता है। क्रिटिसिज्म और रैशनलिज्म, इंसान के अंदर रैशनलिज्म मौजूद है, वो जज कर सकता है कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है, और जैसे सोक्रेटिस कहता है कि इंसान के अंदर एंशियंट टाइम से मौजूद थी ये इम्पल्स मौजूद थी कि वो रैशनल था। जैसे सोक्रेटिस जो है वो हज़रत ईसा से 500 साल पहले का करैक्टर है, तो सोक्रेटिस उस वक़्त रेशनलिज्म की बात करता था, वो कहता था ये ज्यूस
ये ज्यूस जो उनका गॉड था या अपोलो उनका गॉड था, वो कहता है कि ये गॉड कैसे हो सकते हैं? आप कहते हो ये खुदा हैं, तो कहता है कि अगर ये खुदा हैं तो मुझे ये बताएं कि ये फिर ह्यूमन, इनके फेस जो है ह्यूमन जैसे क्यों हैं? इसका मतलब यह है कि लोगों ने गॉड, चूंकि लोगों की खास एक शक्ल है तो वो अपने गॉड को भी अपने जैसा ही समझते हैं, तो इसीलिए कहता है कि उन्होंने ह्यूमन जैसे गॉड बना लिए, उनके स्टैच्यू बना लिए। तो कहता है कि अगर जानवर भी ये अकल रखते तो जानवर भी अपने जैसा गॉड बना लेते, जैसे घोड़ा है तो घोड़ा अपनी शक्ल का एक गॉड बना लेता, बंदर है तो बंदर के अंदर ये सालियत होती तो वो भी क्या करता कि पेंटिंग करता, वो कहता है ये मेरा गॉड। तो कहता है कि ये गॉड जो तुम्हारे जैसे ही हैं, ये गॉड कैसे हो सकते हैं? ये तुम्हारी तरह लड़ते हैं, तुम्हारी तरह फाइट करते हैं गॉड, ये इंसानों जैसे हैं, तो ये गॉड कैसे हो सकते हैं? ये उस वक्त सोक्रेटिस ने क्वेश्चन किए थे कि दे आर नॉट ट्रू गॉड बिकॉज दे आर लाइक यू। अगर इस तरह एनिमल्स भी सोच सकते तो वो भी अपने ऐसे गॉड बना लेते, ये भी पॉइंट नोट कर ले। तो इसने कहा कि ये भी मैन मेड चीजें हैं जो गॉड बनाए हुए हैं, स्टैच्यू बनाए हुए हैं, उस वक्त रोमन ग्रीक्स ने जो बनाए हुए थे, उस वक्त भी सोक्रेटिस ने इन चीजों को रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो रेशनलिज्म और क्रिटिसिज्म जो है ये भी उसने, ये भी एक अच्छा आइडिया था जिससे इंसान ने अपने आप को रिफाइन किया, आपको बेहतर किया और क्रिटिसिज्म को सीखा, ये भी एक अच्छा आइडिया था। उसके बाद रेशनलिज्म इज गुड एंड यू रिजेक्ट द पैशंस। रेशनलिज्म क्या करता है? आपको आपके पैशन को रिजेक्ट करता है और अकल की बात करता है। ठीक है, अब कहता है, रसल कहता है कि जो बंदा रैशनल होगा वो चर्च नहीं जाएगा। रैशनल पर्सन और साइंटिफिक पर्सन क्या कहता है, चर्च जाके अपने पैसे नहीं देगा, वो किसको देगा? वो सीधा हॉस्पिटल जाएगा, कोई मर रहा होगा इंसान तो वो उसको पैसे देगा या कि वो अपना इलाज करवा दे। अगर आप चर्च जाते हो तो प्रीस्ट को पैसे देते हो तो प्रीस्ट की जेब में चला गया। अब प्रीस्ट किसी को दे, आपने 5 लाख दिया तो उसने 1 लाख दिया, 4 लाख अपनी जेब में रख लेगा। ठीक है, कहता है ये हॉस्पिटल में कोई बंदा मर रहा है तो आप उसके इलाज के लिए डायरेक्ट पैसे दे देते हैं, चैरिटी दे देते हैं, तो वो कहता है कि ये ज्यादा बेहतर है। चर्च जाने की, मंदिर जाने की बजाय सीधे हॉस्पिटल जाएं, वहां पे किसी गरीब की कथा खिदमत करें और प्रैक्टिकल एम्पिरिकली खुद करें, तो दैट विल बी बेटर आइडिया। तो ये रैशनलिज्म ने इंसान को ये सोचने पर मजबूर किया। उसके पहले तो लोग क्या कर रहे थे, ब्लाइंडली बिलीवर थे। ये भी लिख लें, आइडिया ऑफ एवोल्यूशंस। What is idea of evolution? Darwin's theory, animals, bird, humans, all are separated from the same organisms. यानी एक ही organism था और जितने भी organisms, जितने भी जानदार चीजें हैं उसी से separate होकर बनी हैं, चाहे मछली हो, चाहे वो कोई गो हो, चाहे वो कोई इंसान हो। ये belief है, evolutionary belief. I do not believe it's a Darwin's theory. ये Darwin की theory है। ठीक है, क्रिश्चियन जब ये आई, डार्विन थ्योरी आई एवोल्यूशनरी की, उसने क्रिश्चियन के व्यू को सबसे पहले रिजेक्ट किया, फिर जू के व्यू को रिजेक्ट किया, हिंदू के व्यू को रिजेक्ट किया और जितने भी दीगर मजाहब थे उनके व्यू को रिजेक्ट किया और उससे बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ। डार्विन रिजेक्टेड ऑल द रिलीजियस आइडिया एंड रसल एक्सेप्टेड, और रसल इन चीजों को एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो उसका कायल है। चैरिटी एंड मेक हॉस्पिटल। एक अच्छे कहता है इंपेरिकल पर्सन जो होता है वो क्या करता है, वो चर्च नहीं जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा, वो सीधा क्या एक हॉस्पिटल बनाएगा और हॉस्पिटल से लोगों को फायदा देगा और डायरेक्ट किसी मरने वाले की जान बचाएगा और इंपेरिकल बनेगा, रीजन के जरिए, लॉजिक के जरिए फैसला करेगा। मंदिर जाके 50 लाख देने से बेहतर है, वो कहता है कि आप जाएं सीधे हॉस्पिटल, जिन जिनको जरूरत है उनकी बाई हैंड खिदमत करें। आइडिया तो प्रैक्टिकल है, लेकिन वो सारे मंदिर के सिस्टम को, चर्च के सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम को रिजेक्ट करता है और एम्पिरिकल बनाना चाहता है इंसानों को। आइडिया ऑफ साइंस, कहता है साइंस का आइडिया भी अच्छा है, ये भी लिख लें पॉइंट। फिर कहता है साइंस का आइडिया भी बहुत अच्छा है। डिकार्ट एक फिलासफर था, उसने कहा था बिकॉज आई थिंक एंड आई एम, वो कहते हैं कि ये गॉडलेस यूनिवर्स है, कि यहां पे कोई गॉड नहीं है। ही वॉज अग्नोस्टिक। अग्नोस्टिक का पर्सन का मतलब है कि कॉज एंड इफेक्ट पे बिलीव करने वाला, इंपेरिकली चीजों को देखने वाला। वो कहते हैं कि दे बिलीव इन 2+2=4। तो ये जो है, और फिर के जो लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, रेजिस्टेंस एंड स्टॉप
कि किसी चीज़ को जब तक आप रिजिस्ट नहीं करते, कोई स्टॉप नहीं लगाते, तो वो चलती जाती है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये भी कहता आया, न्यूटन के लॉज जो हैं ये भी बड़े हेल्पफुल रहे हैं, मैथ के आइडियाज़ जो हैं ये बड़े हेल्पफुल रहे हैं, जियोलॉजी का आइडिया है, जियोलॉजी ने क्या आइडिया दिया आपको, अर्थ का साइज़ मालूम किया गया, अर्थ का क्या साइज़ है, अर्थ को दरियाफ्त किया गया कि इसकी शक्ल ऐसे बिजवी जैसे कोई अंडे की होती है वैसी, डिस्कवर्ड एंड ग्रीक्स, और ग्रीक ने भी एक साइज़ बताया था आइडिया का, वो बिल्कुल ज़मीन का, तो वो साइज़ जब उसको मापा गया तो तकरीबन वैसे ही रहा। अच्छा, तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक नया आइडिया दिया, तो मज़हब को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, स्पेशली क्रिश्चियन, मतलब एक ब्रोनो नामी साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ज़मीन जो है वो मूवमेंट करती है, और क्या करता है, सन जो है एक जगह पे खड़ा है, और ये जो ज़मीन है ये ऐसे चक्कर करती है, सूरज के गिर्द जो है ऐसे चक्कर लगाती रहती है, ऐसे मूवमेंट कर रही है। जब उसने ये आइडिया दिया तो ब्रोनो को क्रिश्चियन लोगों ने, जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग थे, उनको गुस्सा आया कि हमारे लॉर्ड ने तो कहा है कि ज़मीन अपनी जगह पे खड़ी है और ये कभी शेक नहीं कर सकती, तुम बाइबल को रिजेक्ट कर रहे हो। उन्होंने ब्रोनो को ज़िंदा जला दिया, दे बर्न हिम अलाइव, और कहता बहुत ख़तरनाक था ये मजहबी आइडिया। और फिर क्या किया, फिर गैलीलियो गैलीली जब आया, गैलीलियो गैलीली ने भी, कोपरनिकस ने जो व्यू दिया, फिर कोपरनिकस भी व्यू देता है कि ज़मीन जो है वो मूवमेंट करती है जबकि सन खड़ा है, तो कोपरनिकस को भी उन्होंने क्या किया, दे उसको उन्होंने फांसी दे दी। अब उसके बाद गैलीलियो गैलीली भी इन दोनों को इंडोर्स करता है, तो इसको भी बहुत सारे मसाइल जो है, रोमन कैथोलिक जो चर्च हैं वो उसका ट्रायल करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, और उसका बकायदा ट्रायल होता है। अगर आपने मज़ीद जानना हो तो एक पार्ट सेकंड में आपका एक ड्रामा है मॉडर्न ड्रामा के नाम से, बर्टोल्ड ब्रैकट ने इसके ऊपर एक बुक लिखी है गैलीलियो गैलीली, उससे आप मज़ीद देख लीजिए। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या आइडिया दिया, उसने उनको इंडोर्स किया, उसने कहा जी मैं साबित करता हूँ कि ज़मीन जो है वो क्या करती है, ज़मीन मूवमेंट करती है सन के गिर्द, और मैं आपको टेलीस्कोप की मदद से कहता है यहाँ से बैठ के देख के बताता हूँ। तो उसने साबित किया, उन्होंने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, और फिर वो अंदर जाके वो रिकेंट कर देता है, मान लेता है कि भाई आप ठीक हो मैं गलत हूँ। जब वो वहाँ पे रिकेंट करता है तो उसका पता क्या रिजल्ट देता है, वो अपने एंड्रिया अपने शागिर्द को एक बुक अंदर बैठ के लिख देता है और उसे कहता है पब्लिश करवा दो। उसमें वो साबित करता है कि किस तरह ज़मीन जो है वो घूमती, और नए नए जो चीज़ें हैं वो उसने कानून जो है वो दरियाफ्त की। उसने ये भी एक आइडिया दिया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट अगर हवा को बंद कर दिया जाए तो ऊपर से आप कहता है एक पर जो है फीदर जो है किसी जानवर किसी परिंदे का पर गिराएं या एक पत्थर गिराएं, दोनों एक ही कहता है टाइम से नीचे गिरेंगे। अब ये आप देखें ये कैसा उसने आइडिया दिया कि अगर आप ये, इस पर नासा ने फिर इसके ऊपर रिसर्च की थी, बहुत बड़ी एजेंसी है, उन्होंने क्या किया कि ज़मीन हवा को बंद कर दिया, और गैलीलियो गैलीली का जो कंसेप्ट था कि अगर एक पर ले लें और एक पत्थर ले लें, दोनों को ऊपर से नीचे गिराएं, हवा बंद कर दें कमरे की, रोक दें, तो वो दोनों ही एक ही वक्त नीचे गिरेंगे, उनकी दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी। आप इसको देख लीजिए, इसकी वीडियो भी है, कोपरनिकस गैलीलियो और ब्रोनो, मैंने तीनों डिस्कस कर दिए, इनको नोट कर लें। हाँ जी समझ आ रही है, कुरतुलान समझ आ रही है, आप आइडिया साथ साथ लिखती जाए, बाकी तो बुक पे भी बहुत कुछ लिखा होता है, आप उधर से भी। साइंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, इंसान ने बहुत सारे लॉ बना लिए, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी एजुकेशन बना ली, और इंसान ने गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया, एक सिस्टमेटिक गवर्नमेंट बना ली, ठीक है, उसके अंदर डेमोक्रेसी ले आया, लॉ ऑफ गवर्नमेंट ले आया, ठीक है, नए नए आइडियाज आ गए, किंगशिप आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, मार्क्सिज्म आ गई, नए नए पावर्स जो हैं वो आ गई, और कहता है कि इन पावर को डेमोक्रेसी को फिर इस्तेमाल किया गया चेक एंड बैलेंस। पहले किंगशिप होती थी, वो जो चाहता किसी को फांसी दे देता, किसी को मार देता, जो करता, अब डेमोक्रेसी में पार्टीज जो होती हैं वो हम खुद इलेक्ट करती हैं और वो जाती हैं और वो चेक एंड बैलेंस रखती हैं, कि अपनी साख भी बनानी होती है उन्होंने, और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है इंसान ने डेमोक्रेसी बनाई, उसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, मसलन मेरे पास पार्टी एक है, P1 है, P2 है, P3 है,
सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी पार्टी। अब ये सात जितनी भी पार्टीज हैं ये इलेक्शन लड़ती हैं, उसके बाद जीत के आती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू और अल्टीमेटली वोट डाले जाते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रसल का जो सेकंड पार्ट है वो किसके बारे में, ये तो हमने सारे आइडियाज डिस्कस कर लिए, पॉलिटिकल मॉरल जो भी थे। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ उसका जो ऐसे है वो किस पे कंसिस्ट करता है, उसमें वो डिस्कस करता है टेक्निकल आइडियाज। कि टेक्निकल आइडियाज क्या होते हैं, कहता है टेक्निकल आइडियाज जो हैं वो मॉरल और पॉलिटिकल आइडिया दोनों को मात दे गए, मॉरल और पॉलिटिकल, कैसे वो जीत गए कहता है। अब टेक्निकल आइडिया चूंकि ट्रांसफरेबल भी थे और वो डायनेमिक भी थे, लर्नेबल भी थे, और वो लर्न करके आगे से आगे बढ़ते गए, इवन कि कोई चीज़ दरियाफत हुई आप अमेरिका में तो वहाँ से सीख के कोई इधर आ गया उसने इधर सिखा दी। तो कहते हैं टेक्निकल आइडियाज़ जो हैं वो मॉरल और पॉलिटिकल आइडिया से आगे गुजर गए, वो प्रैक्टिस नहीं हो सकी अच्छी तरह से, बट टेक्निकल आइडिया दे बिन प्रैक्टिस वेल, दे आर लर्नेबल, दे आर एम्पिरिकल, दे कैन बी लर्न एंड दे हैव मेड प्रोग्रेस एज कम्पेयर टू द मॉरल एंड रिलीजियस और जितने भी आइडियाज थे। देयर इज नो पॉलिटिकल आइडिया नीड टू बी वर्क एंड प्रैक्टिस, कहता है कि मॉरल आइडिया जो है और पॉलिटिकल और मॉरल आइडिया दोनों पे कहता है वर्क करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये प्रैक्टिस में नहीं आए। चूंकि कंसेप्ट जो है वो बुद्धा ने और क्राइस्ट ने कहता है दिया मॉरलिटी का, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं आ सका कहता। वो बता के गए थे कि इंसान को इंसान की इज्जत करनी चाहिए, दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, सारी यूनिवर्सल बनाना चाहिए, मोहब्बत कायम करनी चाहिए, लेकिन कहता है कि फिर भी कहता है उसको प्रैक्टिस में नहीं आ सके। अगर आपने सुना हो बर्मा एक कंट्री है, बर्मा के अंदर मुसलमानों को न्यूड करके मारा गया, उनकी औरतों को जिंदा जलाया गया, जिंदा उनको उनके जिस्मों को अलहदा किया गया, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ बर्मा के अंदर। अब बर्मा के लोग जो जिसके फॉलोअर हैं वो कहते हैं, वो कहता है यही जो बुद्ध मत है, बुद्धा का कॉल है कि इंसान को जूती नहीं पहननी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कीड़ा मकोड़ा कुचला जाए और आप नुकसान कर दो उसका, जबकि आपने देखा कि बर्मा के अंदर मुसलमानों को के साथ क्या किया गया। तो यहां से पता चलता है कि मजहब जो है वो प्रैक्टिस में नहीं आया। मॉरल आइडिया कम इन द पास्ट बट नॉट इन अ प्रैक्टिस, कहता मॉरल आइडिया आए थे, बुद्धा लेकर आया था, क्राइस्ट लेकर आया था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मजहबी रिलीजियस और मॉरल आइडिया लेकर आए, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं रहे, लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की उसकी, लेकिन प्रैक्टिस किसकी हुई, टेक्निकल आइडियाज की। हाँ जी, इतनी समझ आई। अब देखिए जी, ग्रीक जो हैं वो क्या करते थे, वो ग्रीक आइडिया सोल इज एन इनहैबिटेंट इन वुमेन्स एंड किंग। अब ग्रीक लोगों का एक कंसेप्ट था, ये भी आपके लिखा हुआ उधर, ग्रीक इस चीज का कंसेप्ट रखते थे, ये नोट कर लें, कि सोल जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। क्या इम्पोर्टेंट होती है, सोल, यानी हर बॉडी के अंदर एक सोल होती है, और बॉडी जो है, चूंकि रसल तो इन चीजों को नहीं मानता, वो कहता है कि सोल जो है इस बॉडी में घुस जाए, इसमें घुस जाए, इसमें घुस जाए, मसलन ये स्लेव है तो स्लेव के अंदर आ जाए, ये फीमेल है फीमेल के अंदर, ये मेल है मेल के अंदर आ जाए, ये किसी स्लेव किसी आका किसी मालक किसी किंग के आ जाए, तो इस तरह ये सोल जो है वो डिफरेंट किसी भी बॉडी में घुस सकती है। तो सोल इंपॉर्टेंस होती है, बॉडी की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, चाहे वो किंग हो चाहे वो वोमेन हो मैन हो। तो कहता है उन्होंने भी इक्वालिटी का एक दर्स जरूर दिया था ग्रीक्स ने सोल के थ्रू, समझ आ गई, कि सोल इज इन इनहैबिटेंट इन वुमेन्स एंड इन किंग, सोल कैन एंटर इन एनी बॉडी एंड स्लेव और पर्सन, किसी भी इंसान के अंदर ये सोल जो है घुस सकती है, चाहे वो कोई स्लेव हो चाहे वो मालक हो चाहे वो किंग हो चाहे वो फ्यूडल हो चाहे लॉर्ड हो, कोई भी हो किसी के अंदर भी सोल घुस सकती है। तो कहते हैं जी सोल सारे इंसान इक्वल, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। लिबर्टी ऑफ स्पीच इज देयर फ्रॉम द प्रोफेशंस, नेशन लिबर्टी कुड नॉट बी अचीव्ड। अब कहता है कि लिबर्टी का कंसेप्ट तो आया, लेकिन लिबर्टी फिर कहता है कि किसी खास नेशन को ही मिली। मिसाल के तौर कहता है लिबर्टी का कंसेप्ट जो है, लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, ये कंसेप्ट तो आया,
लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, उसको मिस यूज किया लिबर्टी के कंसेप्ट, कि उन्होंने अपनी नेशनल लिबर्टी को फिर तवज्जो दी, नेशनलिज्म की तरफ आ गए। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड ने यह सोचा कि हमारी नेशन को तो आज़ादी होनी चाहिए लेकिन दूसरों को गुलाम बना लो। वो भी कहता है कि अच्छी तरह फिर प्रैक्टिस नहीं हुआ, चूंकि सारे इंसान बराबर हैं, एक ही वो कहता है कि वो एवोल्यूशन हुई है उनकी, तो सारे बराबर ही हैं उसके नज़दीक। तो वो कहता है कि नेशन लिबर्टी कुड नॉट बी अचीव, नेशन लिबर्टी जो है वो भी अचीव्ड नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि वो खास प्रोफेशन, खास बंदे, खास लोग, खास जो स्पेसिफिक, उनको तो लिबर्टी मिली लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिली। फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल आइडिया नीड्स टू बी वर्कड, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, पॉलिटिकल आइडियाज कहता है इनके ऊपर प्रैक्टिस की जरूरत है। स्पीच मिली, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कुछ खास लोगों को मिली, हर किसी को नहीं मिली। कुछ नेशन ने ये बिलीव कर लिया कि भाई हमने क्या करना है कि दूसरों को हमने कंट्रोल में मैनिपुलेशन करना है और अपनी नेशन को आज़ादी देनी है, यानी वो मुकम्मल प्रैक्टिस में नहीं रही, ये लिबर्टी का कंसेप्ट। पॉलिटिकल आइडिया नीड टू बी वर्क, पॉलिटिकल आइडिया पे वर्क करने की कहता ज़रूरत है। फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी जो है इसको भी हमें बढ़ाना चाहिए, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, पॉलिटिकल आइडिया नीड टू बी वर्क, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी कहता है हर शख्स तक नहीं पहुंची, या इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं अभी मिली, हमें क्या मिली है खास नेशन को तो मिल गई है। ब्रदरहुड, यूनिवर्सल आइडिया इज वेरी यू नो अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल आइडिया, यानी यूनिवर्सल आइडिया किस तरह यूनिवर्सल बनेगा कि अगर सारे लोगों में क्या बने, हार्मोनी आ जाए, इक्वलिटी आ जाए, ब्रदरहुड आ जाए। तो वो कहता है कि बुद्धा ने और क्राइस्ट ने कोशिश की कि वो लोगों को कर सके लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं आई। बुद्धा पीस इन ऑल यूनिवर्स, वो भी कहता था पूरी दुनिया में पीस होना चाहिए, यूनिवर्सल आइडिया। कहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो भी जब वहाँ से कहता है कि कोई जंगली वाशी लोगों को वो उन पर कब्जे करते स्पेशली, वो भी यूनिवर्सल आइडिया लाना चाहता था क्योंकि वो अरिस्टोटल का शागिर्द था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करता था, अपने फौजियों से कहता कि इन वाशी और जितनी भी जो जंगली किस्म के लोग हैं इनकी औरतों से शादी कर लो ताकि इनसे अच्छे रिफाइंड बच्चे जो हैं पैदा हों। फाइटर्स, वो अपने फाइटर को कहता यू मस्ट मैरी देम सो दैट दीज विशियस वुमेन्स, जो हमने कैप्चर किए हैं लोगों को कैप्चर किया है, या इनको, इनसे भी कहता है अच्छे रिफाइंड बच्चे जो हैं आगे पैदा हों और इनको हम कोई अकल सिखाएं, रिफाइंड बनाएं। तो वो भी कहता है ये कंसेप्ट देता था कि यूनिवर्सल होना चाहिए पीस, आज़ादी होनी चाहिए। आइडिया ऑफ द वर्ल्ड वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का कहता कि आइडिया ऑफ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडिया, आइडिया ऑफ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। फिर कहता है कि आइडिया वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो कैसे बनेगी। वो कहता है इस तरह बनेगी कि एक है यूएसए, एक है यूएसएसआर, उस वक्त रशिया जो था वो क्या था, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत रशियन यूनियन, ठीक है। अब ये दो पावर उस वक्त बहुत पावरफुल थे, वो कहता था कि इन दोनों को मिल जाना चाहिए, रसल कहता, और इनको एक गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए, फिर क्या आएगा, पीस, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, जैसे लोग एक दूसरे से छीन रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बड़ी पावर्स हैं और यही नहीं लड़ेंगी तो वो दूसरों को भी यूनाइट रखेंगी। तो कहता है कि इनको एक हो जाना चाहिए, इनको मिला दें और एक बना दें तो एक गवर्नमेंट बन सकती है। फिर कहता छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो हो सकती हैं किसी बॉर्डर पर, लेकिन बड़ी जंग जो है वो एटम बम की इस तरह इंसान बन जाएगा, क्योंकि वो एक पैसिफिस्ट है, ह्यूमनिस्ट है और वो अमन चाहता है। तो वो कहता है कि ये एक आइडिया है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो दुनिया को मजीद तबाही से बचा सकती है, ये उसका लास्ट पॉइंट है। मेक ऑल द वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, के पूरी दुनिया को एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दिया जाए, यूएसएसआर और अमेरिका दोनों मिल जाएं। उस वक्त तो बड़ी पावर यूएसएसआर थी, अब तो वो टूट गई, अब इस वक्त तो चाइना ही है उसके मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में। तो कहता है मेक वन गवर्नमेंट एंड बोथ ज्वाइन टुगेदर एंड रूल एंड गवर्नमेंट वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड आइडिया विल बी गिवन, आइडिया विल गिव देम एंड रिमूव वॉर एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो इससे लोग जो है उनको थोड़ी से काम करने में भी सहूलत रहेगी, अभी तो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती। कहता है कि जो बंदा सारा दिन काम करता रहता है ना,
मिसाल के तौर पर अब मैं सारा दिन ही काम करता हूँ तो मैं रिसर्च क्या करूँगा। जब तक मेरी रिसर्च नहीं है मेरे पास कोई न्यू नॉलेज नहीं है, रिसर्च से न्यू नॉलेज आता है। अगर मैं सारा दिन ही काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास 24 आवर है, तो मैं सोने को बहुत कम टाइम दे रहा हूँ, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर रहा। अब वहाँ पे 2 आवर वर्क करते हैं डेली, जो है वो 2 आवर वर्क होता है इंग्लैंड या इस तरह के डेवलप कंट्रीज, बाकी वो रिसर्च और ये वो अपने बहुत सारा टाइम इन चीज़ों को देते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे 8 और 10 और 12 आवर भी वर्क किया जाता है, बल्कि सारा दिन ही लगे रहते हैं। हमारा जो है काम करने का अंदाज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, देसी सा आगे वो लगे ही रहे काम पे, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, ज़्यादा रिसर्च को टाइम देते हैं यहाँ, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। तो वो कहता है कि जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाएगी तो फिर डेवलप कंट्रीज बन जाएंगे सारे, सबका एक पासपोर्ट होगा, एक आइडेंटिफिकेशन होगी, एक शिनाख्त होगी, मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देंगे और फिर इस तरह हम डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, गरीब लोगों को बड़ा फायदा होगा, वो अमेरिका भी जा सकेंगे, कनाडा भी जा सकेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी, दुबई भी, जहाँ भी उनका मन चाहे वो चले जाएंगे। लेकिन ये हजारों साल लगेंगे इसमें। लेन सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आपने ये क्या करना है कि आपको किसी भी बुक से आपने जस्ट इसको एक दफा रीड करना है, कोई जोन सी भी बुक है उसमें यही चीजें लिखी होंगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट जो है वो भी नोट कर लें, डोगमटिज्म। डोगमटिज्म के बारे में वो क्या कहता है, लेट्स सी रसल्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट डोगमटिज्म। डोगमटिज्म के बारे में मैंने कुछ चीजें आपसे डिस्कस की थी कि रसल हर उस चीज के खिलाफ है जो डोगमेटिक बनाती है बच्चे को, जो बच्चे को एक आइडियलिस्ट बना देती है और सोचने पर मजबूर नहीं करती। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको बता दिया कि आप ही दुनिया की बेस्ट नेशन हैं, सारे लोग जो हैं वो आपसे नीचे हैं, ठीक है। दूसरे मज़हब का कोई बंदा मिल जाए वो आपसे कभी भी अजीम नहीं हो सकता क्योंकि आप बहुत अजीम हैं। आपकी आपका जो बिलीव है आप उसको ना सिर्फ ब्लाइंडली उस पर बिलीव करते हैं, बल्कि अगर कोई उसको छेड़ दे, आपसे कोई बंदा आके कहता है यार जो तुम सोचते हो उसमें से 20% रॉन्ग है, हाँ 80% तुम्हारा बिलीव ठीक है, तो ये 20% मुझे रॉन्ग लगता है, हम इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इससे कोई नई चीज फाइंड करते हैं। आप कहते हो नो, आप उसको ना सिर्फ रिजेक्ट करते हो बल्कि लड़ पड़ते हो और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यू आर फॉलोइंग डॉगमेटिज्म। You must discuss and learn new thing. वो कहते हैं कि इंसान का जो डोगमेटिज्म है ये इट अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड फनेटिसिज्म, इट लीड्स टूवर्ड नाजीज्म, लीड टूवर्ड्स लाइक मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट आइडिया, फंडामेंटल आइडिया, एंड दे अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म। इंसान को ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाता है, शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाता है, फनेटिसिज्म की तरफ ले जाता है, और डोगमेटिज्म जो है वो अपने आइडिया की उसकी स्क्रूटनी नहीं करता, उसको एनालाइज नहीं करता, उसको डीकंस्ट्रक्ट नहीं करता, उससे नई चीज हासिल नहीं करता, वो बल्कि इन चीजों के खिलाफ है कि कोई उनके बिलीव के ऊपर बात कर दे। अगर आपने इसको मजीद जानना है तो आप अगर किसी गांव में कोई बंदे रहते हैं उनके बिलीव को जरा छेड़ के देखें, आपको पता चल जाएगा कि दे आर फॉलोइंग, दे लिव विद दिस आइडिया एंड दे डाई विद दिस आइडिया। वो एक खास डॉगमेटिज्म के आइडियाज के साथ रहते हैं, आप उनको छेड़ के देखें, दे विल फाइट विद यू, दे आर द डॉगमेटिक, फाइट ऑन माइनर थिंग्स। आप उसको छेड़ेंगे एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग बिकॉज दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर बिलीफ। वो अपने आइडियाज के ऊपर कभी भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि आप इसको छेड़ें या उसको डिस्कस करें या मैं कोई नई चीज लर्न कर लूं, नो दे आर नॉट गोइंग टू लर्न इट। तो उसमें वो कहता है कि जितने भी उसका एक कॉल है, कहता है कि एवरी फनेटिक रिलीजन और एवरी फनेटिक बिलीव इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी। ये भी आप इसके अंदर लगा सकती हैं कि फनेटिक कोई भी बिलीव है वो बड़ा हार्मफुल है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस फनेटिसिज्म इन रसल ऐसे, डॉगमेटिज्म क्रूसेड अगेंस्ट डॉगमेटिज्म, ऑब्स्क्योरेंटिसिज्म, मिस्टिसिज्म,
डॉगमेटिज्म, इनकी अपोजिशन में वो क्या बात करता है, तो आपने यही लगाना है जो मैं अभी आपको कहा। इसमें सिर्फ मैं जो उसकी जो मशहूर प्रोमिनेंट उसकी उसके जो टेक्स्ट है उसकी वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आपने पहली बात तो ये है कि बड़ी कॉम्पैक्ट बात करता है। रसल का जो स्टाइल है वो एक ल्यूसर्ड है, कॉम्पैक्ट है और अंडरस्टैंडेबल है, यानी कोई भी इसको समझ सकता है। अगर कॉम्पैक्ट है, सिंपल है, ल्यूसर्ड है, क्लियर, ठीक है, एनी बॉडी कैन अंडरस्टैंड सिंपली। ले मैन भी कोई इतना पढ़ा लिखा भी ना हो तो वो उनको सुन भी ले तो चीजों को समझ लेता है। अच्छा जी, इसमें कुछ चीजें हैं। रसल को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है कैम्ब्रिज, व्हेन कैम्ब्रिज डिसमिस्ड हिम फॉर हिज पैसिफिज्म ही मेड, जब वर्ल्ड वार वन हो रही थी तो इसने कहा था कि वी शुड नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन जब हो रही थी तो रसल ने कहा कि हमें इंग्लैंड को इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वार वन का ड्यूरेशन। जब उसने ये चीज़ और वो एक पैसिफिस्ट बन के, अमन का सफीर बन के जगह जगह जाता तो उसे वो कहते ये ट्रेटर है, कंट्री के खिलाफ बोलता, तो कैम्ब्रिज ने उसे डिसमिस्ड भी कर दिया ड्यू टू हिज पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का मतलब क्या था? अमन का सफीर बना हुआ था वो, क्या अमन की बात करता था, हमें नहीं लड़ना चाहिए, तो उसकी पैसिफिज्म की वजह से कैम्ब्रिज ने उसे डिसमिस कर दिया। तो वो फिर क्या पूरी दुनिया को अपनी यूनिवर्सिटी बना लेता, कहता पूरी दुनिया, क्योंकि वो जब उसे यूनिवर्सिटी निकाल दिया जाता तो वो पूरी दुनिया के साथ ही वो ट्रैवलिंग शुरू कर देता है, वो जगह जगह जाता है और सोफिस्ट बन जाता है। सोफिस्ट का मतलब लिखें अमन का दाई, लॉजिशियन इसको कहते हैं सोफिस्ट। तो वो क्या पूरी दुनिया में ही फिर अमन का सफीर बन जाता है और वहां पे बातें करता है, डिस्कस करता है कि हमें चाहिए कि हम ह्यूमनिज्म लाएं, हम डेवलपमेंट की बात करें, हम एक अमन के अपोस्टल बने, हम अमन के मैसेंजर बने, एंड वी शुड नॉट फाइट। ये उसका एक कोट है यहाँ पे दिया गया, व्हेन कैम्ब्रिज डिसमिस्ड हिम फॉर हिज पैसिफिज्म ही मेड द वर्ल्ड हिज यूनो, तो वो अपनी दुनिया को अपनी यूनिवर्सिटी बना लेता है, वो पूरी दुनिया में अब तबलीग करेगा, सोफिस्ट बन के बताएगा कि हमें अमन करना चाहिए, वी शुड नॉट फाइट। एक और विल ड्यूरेंट से, विल ड्यूरेंट एक क्रिटिक है, वो कहता है देयर हैव बीन टू रसल, यानी एक पहले तो वो क्या था, मैथमेटिशियन था, लॉजिशियन था, उसे इतना अमन के बारे में नहीं पता था। जब दूसरी जंगे, जब पहली जंगे अजीम होती है 1914 से 1918 तक जंग होती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो फिर वो अमन का सफीर बन जाता है। वो कहता है नो, ऐसे हम ह्यूमैनिटी को नहीं बचा सकते, क्योंकि उसे पता है कि इंसान कैसे कितनी तक दो से यहां तक पहुंचा है। तो कहता है विल ड्यूरेंट कहता है देर आर टू रसल, वन हु डाइड ड्यूरिंग द वार, यानी दो रसल थे। पहला जो रसल था वो इतना अमन का शिदाई नहीं था या अमन का वो कायल नहीं था, लेकिन जब जंग होती है तो फिर वर्ल्ड वार वन के बाद वो क्या कहता है, टू रसल, बिफोर वार वेल ड्यूरेंट कहता है और आफ्टर वार वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार वन। और आफ्टर जो रसल है वो क्या पैसिफिस्ट बन जाता है। पहले वो अमन नहीं चाहता था, उसे बस अपने काम से था। आफ्टर वार, अब आफ्टर वार जब वो 18 में खत्म हो जाती है और बहुत सारी तबाही होती है, तो फिर वो एक और न्यू रसल बन जाता है। न्यू रसल जो है वो किस चीज़ का कायल है कि अमन होना चाहिए, पैसिफिस्ट है, अमन का सफीर है, अमन का वो दाई है, और ये इस तरह की वो कम्युनिस्ट और फंडामेंटलिस्ट और मिस्टिक और मजहबी और जितने भी डिक्टोरियल बिलीव्स हैं उन सारों से आज़ाद होता है और वो एक न्यू रसल बनता है आफ्टर वर्ल्ड वार वन। पहले वो इन चीज़ों का कायल नहीं था। Hope you got the point. अच्छा जी, आगे है फिर वो क्रिटिसाइज करता है, वो क्रिटिसाइज करता है नंस को, क्रिश्चियन नंस होती है ना, जो नन है क्रिश्चियन नंस, वो क्या करती हैं, पर्दा करती हैं और वो अंदर रहती हैं, ठीक है, वो
किसी खास जो उनके बने हुए चर्चेज वहाँ पे रहती हैं और वो हमेशा आइसोलेट रहती हैं, पर्दा करती हैं और गॉड की बात करती हैं। वो कहते हैं क्रिश्चियन नन जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, वो ये बिलीव रखती है कि वो वॉशरूम के अंदर जो है उसका जो ओमनीपोटेंस का मतलब होता है, ओमनीपोटेंस का मतलब लिखें ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंस का मतलब होता है गॉड जो हर जगह मौजूद है। कहता है कि क्रिश्चियन नन बिलीव करती है कि उसका ओमनीपोटेंस जो है उसे हर जगह देखता भी है, फिर वो कहता है कि छुप के नहाती है एक वॉशरूम के अंदर और वो कहती है कि यहाँ पे उसका गॉड उसे नहीं देख रहा शायद। ये कैसा बिलीव है, यानी वो तंज करता है, कहता है वो गॉड जो तुम्हें वॉशरूम के अंदर देख सकता है क्योंकि वो ओमनीपोटेंस है, तो वो तो तुम्हें कपड़ों के अंदर भी देख सकता है। अब यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करता है वो जो पर्दा करती हैं उन औरतों के ऊपर कि अगर आपका ओमनीपोटेंस आपको यहाँ पे वॉशरूम के अंदर नहीं देख सकता, तो फिर वो कहता है कि अगर वो ओमनीपोटेंस है तो वो वॉशरूम के अंदर भी देख सकता है और फिर ओमनीपोटेंस होने की वजह से वो कपड़ों के अंदर भी देख सकता है, तो आप छुप के क्यों नहाती हो, या वो दूसरे लफ्जों में कहता है कि पर्दा जो है उसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आज़ाद ख्याल। उसके बाद कहता है कि एक रिलीजियस बिलीव ये भी था और वो इसको कोट करता है, रसल कहता है कि एक डॉग को एक कहता है वाइफ को या वॉलनट ट्री को आप जितना मारेंगे वो उतने सीधे रहते हैं। कहता है ये जो बिलीव है ये मजहबी बिलीव था एक, और ये बड़ा हार्मफुल रहा है और ये कहता है कि बहुत खतरनाक था, ये भी एक डॉगमेटिक था। तो इन द एंड वी कैन से जो बर्टन रसल है वो एक 20th सेंचुरी का एक अमन का सफीर था, एंड ही वाज अ मॉडर्न फिलोसोफर, ही वाज अ क्रिटिक, सोशल क्रिटिक, ही वाज अ पैसिफिस्ट, ही वाज अ मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, फिलोसोफर्स एंड स्पेशल सोशल क्रिटिक्स, एंड ही कमेंटेड ऑन द सोसाइटी। पीपल कम टू हिम एंड दे से दैट कमेंट ऑन सर्टन टॉपिक एंड ही कमेंट्स and he comments in such a aphoristic and epigrammatic way that people give his quotes. To log uske quotes jo hain wo batate hain. Stay blessed and have a nice time. In dono ko aapne yaad karna hai aur aap hamari mulaqat hogi Eid ke baad. Stay blessed.